हेलो स्टूडेंट, कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है कि उनके पास दो मार्कशीट आ गई हैं तो कौन सी वैलिड मानी जाएगी, जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया था उससे पहले वाली या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम से जो मार्कशीट आई है वो वाली। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम से कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं लेकिन ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं, और किसी कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका आरटी लगा हुआ है या फिर कंपार्टमेंट लगा हुआ है, पहले वो पास थे लेकिन इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बाद ऐसा हो गया है। मोस्ट प्रॉबेबल ये चांस हैं कि जो ज़्यादा मार्क्स हैं उनको फाइनल माना जाएगा। मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है, रीजन है। मेरे पास कल कई बच्चों के मैसेज आए थे, जैसे ही मैंने वीडियो डाला था कि अपने स्कूल में जाके बात करो कि कौन सी मार्कशीट फाइनल उनकी मानी जाएगी, कौन सी मार्कशीट उनको स्कूल में मिली है। तो कई बच्चों को स्कूल से मार्कशीट मिल गई है, मेरे पास कॉल आए हैं, स्पेशली मैंने बच्चों से बात की है, और उसमें बच्चे बता रहे थे कि जिनका डिस्प्यूट के थ्रू वो बच्चे पास हो गए हैं और अभी उन्होंने कंपार्टमेंट का दिया था उसमें फ़ेल हो गए हैं, तो डिस्प्यूट वाली उनको फाइनल मार्कशीट मिलने जा रही है। बच्चों ने मार्कशीट देखी भी है, ठीक है, और बच्चे जो कह रहे हैं, तो फिर मैंने उनसे बोला भी कि कमेंट में जाके ये बात बच्चों और बच्चे हैं उनको क्लियर कर दो, तो उसके लिए बच्चों ने कमेंट भी किया है, उसको मैं हाइलाइटेड कर दूंगा, उसको देख लेना। दूसरी बात है, जिन बच्चों को एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो रही है वो एडमिशन ले सकते हैं उस मार्कशीट से जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया था उससे वाली मार्कशीट में, जो बच्चे पास थे वो उसी मार्कशीट का यूज़ करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। CBSE मुझे लग रहा है कुछ ही टाइम के अंदर सर्कुलर रिलीज़ करके या अपनी तरफ से ये कंफर्म करेगी, CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ये कंफर्म करेगी कि जो ज़्यादा मार्क्स होंगे वही फाइनल माने जाएंगे दोनों में से, चाहे वो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम से पहले हो या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बाद हो। तो किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आराम से अपने, पहली बात तो जो बच्चा अभी स्कूल नहीं गया है, अपनी जो मैंने बताया था प्रॉब्लम उसको कन्फर्म करने के लिए, क्लियर करने के लिए, तो वो स्टूडेंट स्कूल जा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद ऐसा ही है कि जिन बच्चों का कंपार्टमेंट अभी लगा हुआ है और वो बच्चे पहले पास हो गए थे तो मुझे लग रहा है वो शायद पास ही होंगे, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से कंफर्म ज़रूर करना। मैं ये नहीं कहता कि जो ये ज़्यादा मार्क्स हैं वही एकदम कंफर्म है, अपनी तरफ से कंफर्म करो, अपनी तरफ से श्योर हो जाओ, और अगर बिल्कुल कंफर्म हो जाओ कि जो ज़्यादा मार्क्स है वही फाइनल माने जाएंगे तो मुझे भी कमेंट में जाके बता देना कि कौन से मार्क्स फाइनल माने गए हैं, लेकिन स्कूल में जाके कंफर्म जरूर करो। ओके, थैंक यू।